takut. और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यशोमती ठाकुर मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। इनके बारे में भी सीधे बात करते हैं विनोद जगदाले से। विनोद, यशोमती ठाकुर इस वक्त मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रही हैं। देखिए, यशोमती ठाकुर तिवसा विधानसभा सीट है अमरावती की, लगातार तीसरी बार ये विधायक के तौर पर जीती है और राहुल गांधी की काफी करीबी मानी जाती है। फडणवीस सरकार अगर सत्ता में नहीं आई है तो कहीं ना कहीं विदर्भ के वजह से, विदर्भ में 14 सीटें गंवानी पड़ी है, कुछ अच्छी अच्छी सीटें, उन सीटों में से एक सीट पर ये जीती है। और इनकी खासियत ये है कि महाविकास आघाड़ी जब बन रही थी, कांग्रेस कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे शिवसेना के साथ, तब सबसे पहला नाम आया था यशोमती ठाकुर का। उन्होंने आवाज उठाई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में रोकना है तो शिवसेना के साथ जाना जरूरी है। जो तीन बड़े नाम उन्होंने आवाज उठाए थे उसमें से एक बड़ा नाम था ये यशोमती ठाकुर, तिवसा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक और कांग्रेस की दूसरी महिला मंत्री इन्होंने शपथ ली है। शिवसेना ने एक भी महिला मंत्री को शपथ नहीं दी है, एनसीपी ने एक ही महिला राज्य मंत्री को शपथ देने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने दो महिलाओं को कैबिनेट में मंत्री पद दिया है। तो यशोमती ठाकुर जो इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रही हैं, साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से विनोद जगदाले ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपने देखा भी था कि जब तमाम नेता ये कह रहे थे कि शिवसेना के साथ नहीं जाना है, उस वक्त तीन नामों में से एक नाम यशोमती ठाकुर का था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को रोकना है तो शिवसेना के साथ हाथ मिलाना होगा। साथ ही शिवसेना की तरफ से अभी तक शिवसेना के कोटे से कोई भी महिला मंत्री नहीं बनी है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो दो महिलाओं को मंत्री कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। कांग्रेस कोटे से मंत्री पद संभाला है यशोमती ठाकुर ने। विदर्भ क्षेत्र की एकमात्र महिला विधायक हैं यशोमती ठाकुर, कांग्रेस कोटे से आती हैं। और जिस तरीके से विनोद ने इनके बारे में बताया कि जब जब बड़ी मुसीबत आई है उसमें आगे निकल कर ये आई हैं कि पार्टी के लिए सही रास्ता कौन सा रहेगा। जिस वक्त उतार चढ़ाव महाराष्ट्र में चल रहा था सरकार बनाने को लेकर, तब ये आगे आई और कहा कि शिवसेना के साथ जाना ही उचित रहेगा अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में रोकना है तो। जितेंद्र आव्हाड अब तक कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। संदीपन भुमरे ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। बाला साहेब पाटिल ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है।